ओके, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेकिंग ए यूनियन बी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए का सेट 2, 4, 6, 8, 10 और बी का सेट 1, 3, 5, 7, 9। अब ए यूनियन बी स्टेप सारे आपने फॉलो करने हैं। 2, 4, 6, 8, 10 यूनियन 1, 3, 5, 7, 9। अब इकट्ठा करके लिख दें, यूनियन करना है ना तो इकट्ठा करके लिख दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपका क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब आप इसको एक ब्लॉक में लिख लें ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कंपेयर करने में, ठीक है। नाउ टेकिंग बी यूनियन ए, बी यूनियन ए, तो बी हमारे पास क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 और ए क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। तो बी यूनियन ए 1, 3, 5, 7, 9 यूनियन ए 2, 4, 6, 8, 10 बी यूनियन ए। इकट्ठा करके लिख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ जी, अब आप इन दोनों के आंसर्स को कंपेयर करें, सेम आंसर्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, देयर फोर, दिस इज द साइन ऑफ देयर फोर, तो हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, जो हमसे पूछा गया था वो हमने सॉल्व कर लिया, राइट। अब इंटरसेक्शन आप खुद करेंगे, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने इसमें बी का सेट लेना है यहां से क्वेश्चन नंबर 2 में से और सी का सेट लेना है, राइट। अब आपको मैं सी पार्ट करवाऊंगी, विच इज ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, हमने फर्स्ट क्लास में जो सिंबल्स पढ़े थे, राइट। बी पार्ट आप करेंगे, सी मैं करवा रही हूं। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, टेकिंग ए माइनस बी, ठीक है। पहले ए का सेट क्या था, इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 और बी क्या था, ऑड नंबर्स, क्या था जी, 1, 3, 5, 7, 9। माइनस करें, ए माइनस बी 2, 4, 6, 8, 10 माइनस 1, 3, 5, 7, 9। जो एलिमेंट्स यहां हो वहां ना हो, फॉर एग्जाम्पल 2 यहां है हमने लिख दिया, 4 यहां है वहां नहीं है हमने लिख दिया, 6 यहां पे है वहां पे नहीं है तो हमने लिख दिया, 8 यहां पे है वहां पे नहीं है हमने लिख दिया, 10 यहां पे है वहां पे नहीं है तो हमने लिख दिया, ए माइनस बी हमारा फाइंड आउट हो गया, राइट। अब फाइंड आउट करना है हमने क्या, बी माइनस ए, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग बी माइनस ए, तो बी का सेट पहले लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 और ए का सेट बाद में लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। बी माइनस ए 1, 3, 5, 7, 9 माइनस 2, 4, 6, 8, 10। तो माइनस में हम क्या करते हैं, जो इसके एलिमेंट से पहले वाले, जो इसको देख के करते हैं ना, जो पहले एलिमेंट सेट है उसमें से हम इसको माइनस जब कर रहे हैं तो क्या करना है, इसके एलिमेंट जो इसमें ना हो हम वो लिखते हैं, इसमें 1 है इसमें नहीं है तो हमने लिख लिया, 3 इधर है इधर नहीं है हमने लिख लिया, 5 इस सेट में है इस सेट में नहीं है हमने लिख लिया, 7 इस सेट में है इस सेट में नहीं है तो हमने लिख लिया, 9 इस सेट में और इस सेट में नहीं है हमने लिख लिया, तो हमारे पास b माइनस ए भी फाइंड आउट हो गया। अब इन दोनों को आप कंपेयर करें तो ये एक जैसे हैं, नो,
तो जो हमसे पूछा गया था कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये प्रूफ हो गया क्योंकि ये वाकई दोनों इक्वल नहीं है। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू नल सेट। इसका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, आपके नल सेट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके लिए बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में बी कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड आउट करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, 1 से लेके 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस बी, यहाँ सेट लिख लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 राइट। अब क्या आंसर आएगा जो इसमें हो और इसमें ना हो, 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, उसमें नहीं है, 4 इसमें है, उसमें नहीं है, 6 इसमें है, उसमें नहीं है, 7, 8, 9 भी है और 10 भी। इसका मतलब है कि आपके पास यूनिवर्स यू माइनस बी या बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 2, 4, 6, 8, 10। अब आप क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका भी लिख सकते हैं या सिंपल बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बी का सेट क्या था, 1, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 2, 4, 6, 8, 10। इंटरसेक्शन में क्या हम करते हैं, कॉमन। ठीक है, इन दोनों में कॉमन कोई है, नो, इट मीन्स कि ये क्या है आपका एम्प्टी सेट। इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हमने प्रूफ किया कि बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट। हमने यही प्रूफ किया ना, इनका आंसर निकाल के हमने ये प्रूफ किया है। राइट क्लास 7, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, जो रिमेनिंग आपको मैंने मेंशन किए पार्ट्स वो आपने लाजमी अपनी बुक्स पे, सॉरी नोटबुक्स पे करने। इन केस अगर आपसे वो सॉल्व नहीं होते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत इजी है, जब आपको पता हो कि आपने यूनियन में क्या करना है, इंटरसेक्शन में क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, तो आपको कोई भी वैल्यूज गिवन हो तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस, ये मैंने आपको जो क्वेश्चन पार्ट्स जो रिमेनिंग है वो मैंने आपको इसीलिए प्रैक्टिस के लिए दिए कि आपकी भी प्रैक्टिस हो, तो आपको इजीली, आप कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो तो आप उसमें से चीजें फाइंड आउट कर सकें। ओके, अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।